कटक जिला ओलटपुर स्थित स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च रे 100 विशिष्ट आनेक्स बिल्डिंग शुभ उद्घाटित सह स्वामीजी विवेकानंद दिव्य मूर्ति उन्मोचन हो उद्घाटनी उत्सव में केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीयुक्त जेपी नड्डा और केन्द्र सामाजिक न्याय सशक्तिकरण मंत्री डॉक्टर वीरेन्द्र कुमार जोग देते सर्वशेष माननीय मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण वितरण करने अनुष्ठान प्रकाशित होता पुनर्वास अनुसंधान पत्रिकार उन्मोचन करते 100 बेड थिला किंतु आमर प्रतिदिन 500-600 पेसेंट आसती जो मैंने कि चिकित्सा रहा सुविधा नथिबार बहुत असुविधार सम्मुखीन होती से अनदर 100 बेड आरंभ हो कौन है सब गोटे भल जिन पेसेंट मानक आम इनडोर भितर थेरापी ट्रीटमेंट दौल एमर गोटे आउटडोर थेरापेटिक पार्क थेरापेटिक जिम होमें योग प्राणायाम सेन्टर भी गोटे खोली तो प्रतिदिन पेसेंट मानक योग प्राणायाम सका सन्धार शिखावा सहित आउटडोर गेम्स मध्यम चिकित्सा कराव आमर स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी पेसेंट मैंने विभिन्न आउटडोर गेम खेलिकी एवं आंतर्जातिक स्तर भी से पार्टिसिपेट कर शारीरिक मानसिक स्तर में बहुत उन्नति घटू से लक्ष्य कर समस्त पेसेंट आउटडोर थेरापेटिक माध्यम रे आमे तांको चिकित्सा पेसेंट संख्या जेतु बढु छै गोटे ईस्ट जोन ने ये गोटे डिपेंड करछन ए हॉस्पिटल को आगु को आउरी बेड अधिक हेबा दरकार भाबु छन वर्तमान परिस्थिति जे 200 हला 100 थिला एबे 100 हला आगु को आउरी बढिबा दरकार निश्चय 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 हमरो भी ओडिसा सरकार भी गोटे योजना रखी छन पेसेंट मान को पई गोटे घर एठी करिया पई बहुत जिते बेड हेले भी एटा पेशेंट को पई कम कारण प्रतिदिन पेशेंट को संख्या बहुत भाव में बढ़ी बढ़ी चलती सर जो डीम टू यूनिवर्सिटी जो प्रस्ताव आसूसी सोशल जस्टिस मिनिस्टर कहले प्रधानमंत्री कौन सुविधा जहाँ फल आम ये आम परीक्षा हमारे डेरी हुए रेजल्ट बाहर बारे डेरी हुए जो कोर्सा 4.5 वर्ष कोर्स हम समय 5 वर्ष हो जाए तो डीम टू यूनिवर्सिटी है आम पिला इंटरनेशनल लेवल भी रेकग्निशन और बढ़ोनि यहाँ पर एक दिव्यांगजनों के लिए स्किल ट्रेनिंग के लिए भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है हमें इलाज के पुनर्वास के साथ ही साथ हम उनके सशक्तिकरण के लिए स्किल ट्रेनिंग की गतिविधियों को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि इस केंद्र के माध्यम से और इस क्षेत्र के उड़ीसा के जो है ना दिव्यांगजनों को स्किल ट्रेनिंग का यहाँ पर दिया जा सके वो ट्रेनिंग प्राप्त करके वो अपने जीवन सर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल बनाने के लिए आप बोल रहे थे तो क्या करेंगे सर फ्यूचर प्लानिंग क्या है और भी देखिए आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने उस संबंध में एक कदम आगे बढ़ाया है और उससे जो है ना उससे ये क्षेत्र केंद्र जो है ना आगे देश भर में अपनी एक बहुत पहचान बनाएगा और काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ दिव्यांगजनों को इलाज पुनर्वास की सेवाओं का लाभ मिलेगा। नियाली मनोज नायकों रिपोर्ट A1 ओडिशा।